टी हैंडल है, स्विच ऑन करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका जो है पार्ट नंबर है AP266@G, ये मैन ऑयल सील है पंप का, ठीक है। तो ये पंप का मैन ऑयल सील यहाँ लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देख पा रहे हैं, ये पुराना वाला ऑयल सील थे तो बंद कर दो। तो जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, ये फ्रंट केस है। अब इसमें ये सपोर्ट विथ ये क्रेडल सेट है, और इसको ऐसे आराम से यहाँ पे फिट कर देते हैं। ऑयल वगैरह अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा। अंदर में एक छोटा सा ओरिंग लगाना है, ठीक है, जो लगा हुआ है हम लोग पहले लगा दिए। इसका डबल पिन मैच करके इसको बैठा दीजिए, ठीक है, ये आराम से बैठ जाता है इसे, ठीक है। और यहाँ पे इसके सारे लैंकी लग रहे थे 10 नंबर के, उसको टाइट कर दीजिए, ओके। अब ये जो है ना रेगुलेटर का बैक साइड का है, जिधर में 4 लंकी फ्लेंज के साथ में 4 लंकी जो लगा हुआ था उस तरफ का है। और ये रेगुलेटर पिस्टन, ओके, जो कि सॉस प्लेट को चलाता है ये, इसको आसानी से फिट कर दीजिएगा। इसके बाद में ये रहा सॉस प्लेट, इसमें अच्छे से ऑयल वगैरह अप्लाई करके फिर इसको आराम से लगाइएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। ये देख पा रहे हैं, इसको ऐसे थोड़ा सा क्रॉस करके हल्का टेपर करके अंदर में इसको घुसाइएगा। सीधा सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा टेपर करके घुसाएंगे तो आसानी से जाएगा। और ऐसे बैठा दीजिए, और उसका पिस्टन में ये अपना सॉस प्लेट को अच्छी तरह से उसको ग्रुप में बैठा दीजिए। इनसाइड में जो ग्रुप है पिस्टन में, उसमें बैठाना है। ये रहा है आपका सर्वो पिस्टन, इसके अंदर में तो मालूम है पिस्टन वगैरह रहता है, 2 स्प्रिंग रहता है और वाल्व वगैरह रहते हैं। तो ये देख पा रहे हैं, जैसे कि इसको इनसाइड में ऑयल अच्छे से अप्लाई करके इसको टाइट कर दीजिए, ठीक है, ये हो चुके। और ये जो लगा रहे हैं बैक साइड के रेगुलेटर के कैप लगा देना है, एंड कैप। और ये रेगुलेटर का इधर का अपने राइट साइड का स्प्रिंग लोडर इधर से रहता है, ये स्प्रिंग के साथ में इधर से ये टाइट हो जाएगा। और उसका इसका अपोजिट साइड से 4 एलंकी के साथ में जो फ्लेंच लगा रहता है वो टाइट हो जाता है, ओके। ऑयल अप्लाई कर दिए इनसाइड में, अब ये रोटर ब्लॉक ये पिस्टन सेट इसको आराम से इसको घुसा देता है। ऐसे टेबल करके घुसाने से क्या है कि पिस्टन गिरने के चांसेस नहीं रहते हैं, सीधा डाल नहीं सकते। सीधा डालने के लिए फिर पिस्टन वगैरह को ब्लॉक करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, जी आसानी से चला गया। बस इसको सीधा करके रख दीजिए, इसके बाद में हेड वगैरह चलाते हैं। ये घुमा के चेक कर लीजिए इसको, देख पा रहे हैं इसको, एंड कैप भी बोलते हैं, हेड भी बोलते हैं। इसकी सारी ओरिंग्स वगैरह निकालते हैं, ओरिंग किट अपन लोग मंगाए थे, उसमें से सारी ओरिंग्स वगैरह लगा देते हैं अच्छी तरह से। देख पा रहे हैं सब, इसको ओरिंग जरूर चेंज कर दिया करें जब कभी यदि खुलता है तो। एक्चुअली क्या होता है, ओरिंग पूरा बैठ जाता है तो फिर क्या है, लगा तो देख वही ओरिंग, लेकिन लीक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा महंगा ओरिंग नहीं आता, 3,000-3,500 के आसपास का किट आता है। इसमें ऑयल सील साथ में आता है, मैन सॉफ्ट का जो ऑयल सील होता है। और इसमें दोनों तरफ में
ये फिल्टर रहते हैं छोटे छोटे, दो राइट लेफ्ट दोनों तरफ में, ठीक है, फ्रंट और बैक में दोनों तरफ में दो दो, दो फिल्टर लगते हैं छोटे छोटे, वो जरूर ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है खोलने के टाइम पे गिर भी जाते हैं। देख पा रहे हो गया। अब ये जो है वॉल प्लेट लगा दे रहे हैं, ये रहा इसका वॉल प्लेट, ये इसका ग्रुप बना रहा है अपना अपना, वहाँ पे डबल पिन लगा रहता है उसमें मैच करके इसको लगा दीजिए। ओके, हल्का सा पूरी में ग्रीस अप्लाई कर दिए हैं कट्टे ना बोल के, तो ये देख पा रहे हैं इसके अंदर में जो कपलर रहता है ना उसको थोड़ा सा हेड के अंदर में कपलर रहता है सीधा कर लीजिए, क्योंकि कपलर इधर उधर घूमता रहता है, सीधा करके आसानी से इसको पुश कर दीजिएगा। देख पा रहे हैं ये जो है ये हो गया, और ये बोल्ट टाइट कर देना है बस, ठीक है दोस्तों। तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा। ये फर्स्ट पार्ट है फिटिंग का, और इसका फिर सेकेंड पार्ट आएगा। ओके दोस्तों। तो जैसे देख पा रहे हैं इस तरफ में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लंकी लगा हुई जो हाथ में पकड़े हुए ना, ये है रेगुलेटर की इधर फ्लेंच। एक्चुअली यहाँ से अपना इसका फ्लो वगैरह कंट्रोल करते हैं। तो ओके दोस्तों।